दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरी एक छोटी सी नीड में। दोस्तों इसमें हम जानने वाले हैं आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन से अपना रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपना रिज्यूम कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही। यदि आपको भी जाना तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर तक बने रहेगा। तो चलिए आज की जो कमाल की बिना देखे शुरू कर लेते हैं। दोस्तों रिज्यूम डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि यदि आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है आपका रिज्यूम। आप क्या कार्य करते हैं, आपका स्किल क्या है, आपका हॉबी क्या है, यानी कि सब कुछ आपके रिज्यूम में यहाँ पर क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पर रिज्यूम बनाने का मैं पूरा पैटर्न बताने वाला हूं किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको रिज्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आता है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सर्च कर देना रिज्यूम पीडीएफ करके, यहाँ पर रिज्यूम पीडीएफ मेकर जैसे आप सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले नंबर पर जो ये एप्लीकेशन आएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ पर आपका रिज्यूम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और यहाँ पर बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से इसमें अपना रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पर कुछ इसको आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर सेफ दिख रहा है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस होगा, जो भी यहाँ पर परमिशन आएगा तो आपको अलाउ एक्सेस कर देना है। बट यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको परमिशन नहीं मांगता है। तो नीचे यहाँ पर प्लस का एक आइकन मिलेगा, नीचे आप देखते हैं यहाँ पर रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ जैसे प्लस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखता है, जैसे कि आपको अपना प्रोजेक्ट का जो आप नाम रखना चाहते हैं वो अपना प्रोजेक्ट यानी कि प्रोफाइल का नाम यहाँ पर आपको रख देना है। तो यहाँ पर मैं रिज्यूम क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना रिज्यूम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने रिज्यूम क्रिएट किया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिज्यूम जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर सही है, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर इंटर करना है, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो यहाँ पर फिल कर देना है। जेंडर है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है जो भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नीचे यहाँ पर अपना प्रोफेशनल डिटेल्स जो भी आपका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर इंटर कर देना, सिटी है, स्टेट है, और आपका पिन कोड, जिप कोड जो भी यहाँ पर आपको एरिया का फिल कर देना है। इंडियन नेशनलिटी यहाँ पर जो भी आपको फिल कर देना है। आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। नीचे जब आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी डिटेल्स में यहाँ पर एक बार मैं फिल करता हूँ, जैसे कि मैं सिग्नेचर यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फोटो भी अपना अपलोड किया, जो भी आप देखते हैं नीचे सिग्नेचर और ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर दे रहे हैं। यदि आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं, इमेज अपलोड करना है, तो इसको सेलेक्ट करके अपना इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ मैंने फिल किया, यहाँ पर आप देखते हैं मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपना हेडिंग एंड समरी को आपको फिल करना पड़ता है। आपका हेडिंग क्या, आपका समरी क्या, जो भी यहाँ पर आप काम करते हो यहाँ पर उसके बारे में आपको लिख देना है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना हेडिंग यहाँ पर लिख दिया एंड नीचे यहाँ पर समरी भी एड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया किस प्रकार से आप एड कर सकते हैं, ये सब कुछ दिया गया। यदि आपको नहीं मालूम तो आप गूगल भी कर सकते हैं हेडिंग समरी के बारे में, आपने काम के वर्क के बारे में। तो यहाँ पर करने के बाद आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं यानी साइड में, तो यहाँ पर आपको पूछेगा करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको भी आप नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिला, यहाँ पर आप क्लिक करके भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो प्लस का आइकन में जैसे आप क्लिक करते हैं, जो भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हम इसको फिल कर लेते हैं एंड नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों यहाँ पर प्लस पर क्लिक करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आएगी इससे संबंधित वो यहाँ पर शो हो जाएगी, इसको फिल कर सकते हैं। अदर आप गूगल करके भी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल साइड में करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि एडुकेशन का डिटेल्स, आपका डिग्री कौन सा है वो यहाँ पर फिल कर देना, इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम आपको फिल कर देना है, बोर्ड कौन सा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और नीचे यहाँ पर जैसे कि मैं फिल कर दूँ टेंथ, यहाँ पर मैं जैसे कि टेंथ का एडुकेशन फिल करा। नीचे यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज का नेम है, यदि आप इंटर करना चाहते हैं यहाँ पर अपना कॉलेज का नेम भी इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल अपना कॉलेज का नेम यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। और जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप किस यूनिवर्सिटी में या फिर बोर्ड से पढ़ें, वो यहाँ पर इंटर कर दें। और नीचे यहाँ पर आपको साइड में आपको देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना कॉलेज यहाँ पर यूनिवर्सिटी दोनों यहाँ पर बोर्ड मैंने फिल किया। दोस्तों यदि आप यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर दें। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो यहाँ पर सीजीपीए आपको फिल करके आपको अपना परसेंटेज को आपको लिख देना है। यदि आप परसेंटेज करना चाहते हैं आपको परसेंटेज क्लिक कर देना, यदि आप सीजीपी करना चाहते हैं तो उसको आप सीजीपी क्लिक करके अपना सीजीपीए आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ग्रेजुएशन हो, यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना पासिंग ईयर जो भी आपको फिल करना है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पासिंग जैसे कि यहाँ पर ईयर जो भी आप पासिंग किए हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर सकते हैं। एंड नीचे आपको ओके पर क्लिक करके इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो
हम इसको स्किप कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पर हमने ओके पर क्लिक किया, सब कुछ यहाँ पर सही है। जैसे कि यहाँ पर 12th भी आप एड करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप 12th भी एड कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्लस पर क्लिक करके और भी अपना एडुकेशन यहाँ पर एड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 अपने एडुकेशन यहाँ पर एड किया है। एंड नीचे यहाँ पर कुछ साइड में स्क्रॉल करना है, जैसे कि यहाँ पर अपना जो भी वर्क है, जैसे कि आप प्लस पर क्लिक करके और भी यहाँ पर एडुकेशन एड करना चाहते हैं एड कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं आपका, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना जो भी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फिल किया और यहाँ पर जो भी आपका डेट है, कितने साल आप काम किए हैं, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे साइड में ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको फिल किया एंड साइड में आपको स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप राइट में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट है या आपने कोई प्रोजेक्ट पर कार्य किया है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट कार्य है तो यहाँ पर एड कर सकते हैं, बट इसको आप स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर अपना स्किल या फिर अपना अदर डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्किल क्या है, अचीवमेंट क्या, एरिया में कौन कौन एरिया में इंटरेस्ट है, हॉबी क्या है, लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर स्टेट क्या है, जो भी यहाँ पर फिल करना चाहते हैं उसका आप टाइटल यहाँ पर उसका डिटेल्स आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सब कुछ ये अभी फिल किया है, यहाँ पर टाइटल देकर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड किया, यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल कर देना। एंड यहाँ पर पूछ रहे हैं यूजर डिफाइल्ड फाइल्डर्स, यदि आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना इसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको रिफरेंसर पूछ रहा है, आप रिफरेंसर जो भी आपको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, बट इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपका रिफरेंसर है ऐड कर सकते हो, नाम है उसका, डिसीजन यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, बट इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। नीचे यहाँ पर आपको जो भी रिफरेंसर का यहाँ पर डिटेल्स है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जो भी आप नीचे एंड सबसे लास्ट में जो भी आपका डिस्क्लेरेशन है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका डिस्क्लेरेशन है, यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकन मिला, जैसे कि इसको ऐड करने के लिए नीचे जो प्लस का आइकन मिलेगा यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर डिस्क्लेरेशन मिल जाएगा, वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, बट अपने हिसाब से भी आप इंटर करना चाहते हो वो भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सब कुछ आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आपका डिटेल्स है। एंड साइड में सबसे ऊपर आपको एक राइट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने सब कुछ यहाँ पर फिल किया है, जैसे कि यहाँ पर ये सब कुछ सेव हो चुका है। तो यहाँ पर सेव होने के बाद यदि आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर साइड में। एंड यहाँ पर पीडीएफ में बना सकते हैं या फिर ईमेल से शेयर भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अपने कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइड में आपको नाम भी यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर साइड में आप स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका एडुकेशन डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पर जो भी आपने फिल किया है वो सब कुछ शो हो जाएगा। यदि आप एडिट करना चाहते हैं आप प्लस पर क्लिक करके अपना एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिलहाल अपना, जैसे कि मेरे कुछ एडुकेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पर मैंने इसको सही किया। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं परसेंटेज के यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रेड सेट किया है। तो यहाँ पर आप इसको साइड में स्क्रॉल करके आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आता है आपको पसंद तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इसमें बता दें किस प्रकार से अपने रिज्यूम अपने फोन के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से अपने रिज्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी जानकारी देने वाला था। यदि आपको इस समरी जो भी करूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम।